तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह के थंबनेल बनाने के लिए सिखाने वाला हूं। अगर आप लोग यूट्यूब पर एक नया नया चैनल क्रिएट किए हो और आप लोग अपने चैनल पर भाई वीडियो अपलोड करते हो और अगर आपको भी थंबनेल इस तरह के बनाना है और आपको थंबनेल बनाने नहीं आता है ना भाई, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। भाई इस तरह के थंबनेल बनाने के लिए आपको कोई भी ना लैपटॉप चाहिए ना डेस्कटॉप चाहिए, आपके पास में जो फोन है ना आपको अपने उस फोन का ही इस्तेमाल करके और आप लोग इस तरह के थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, वो भी भाई सिर्फ 5 मिनट के अंदर में। तो भाई वीडियो को पूरे एंड तक देखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और अपने फ्रेंड के पास में इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो अभी हम चलते अपने फोन के स्क्रीन पे और आपको मैं इस तरह के थंबनेल बनाने के लिए आपको सिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूं, आपको भी अपने फोन को ले लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपने फोन के अंदर एक ऐप को क्या करना है, आपको ओपन करना है। मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं, आप लोग भी इस ऐप को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे डायरेक्टली कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपके सामने दिखने लगेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाना है। कौन सा दिमाग लगाना है भाई, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट पे टाइप करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इमेज साइज लिखा हुआ इस पर आपको टाइप करना है, कस्टम लिखा हुआ इस पर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यूट्यूब थंबनेल, सेलेक्ट करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको सामने दिखने लगेंगे। अब ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ना, इसको डिलीट मारना है। तो डिलीट मारने के लिए यहाँ पे आपको एक डिलीट का एक बटन दिख रहा होगा बॉक्स, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब आपको मेरे भाई क्या करना है ना कि यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड को सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और मैं आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा कि आप लोग कहाँ से इसको आपको डाउनलोड करना है, लास्ट में बता दूंगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ना कि आपको एक इमेज को ऐड करना है। तो इमेज कैसे ऐड करना है, नीचे आप देखोगे नीचे आपको बहुत सारे यहाँ पे टूल दिख रहा है, ठीक है। तो ए वाला जो है ना टूल, ए वाला आपको टूल दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप करना है, इधर स्क्रॉल करना है। अब फ्रॉम गैलरी जो है इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद में डायरेक्ट आपके जो गैलरी में लेकर चल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है आपको कि 3 बार पर टैप करना है। मेरा सैमसंग का फोन है तो इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करना है, गैलरी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने दिखने लगेंगे। आपका जिस भी फाइल फोल्डर में है जो इमेज है उसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे एक इमेज को ऐड करता हूँ और उस इमेज को आप लोग भी यूज कर सकते हो। मैं उस इमेज को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं उस इमेज को ऐड सबसे पहले कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो मेरा इमेज है, ये ए वाला, ये मेरा इमेज है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं इमेज पे टैप करता हूँ। टैप करने के बाद में आपको भी टैप करना है। उसमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे वो जो टिक मारा हुआ है इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे इमेज देख सकते हो, यहाँ पे आपका इमेज जो है यहाँ पे आपका ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है भाई कि आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, अब आपको इस पर क्या करना है कि टैप करना है। उसके बाद में यहाँ पे सैप्स लिखा हुआ है, सैप्स पे आपको टैप करना है। टाइप करने के बाद में आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और उसके बाद में यहाँ पे जो ग्रेडियंट लिखा हुआ है इस पर आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद में यहाँ पे अब आपको क्या करना है ना, ग्रेडियंट पे टाइप करने के बाद में यहाँ पे कोई भी एक ग्रेडियंट को आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो है ब्लैक एंड व्हाइट, मैं इसको ले लेता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरह के जो है ना ये PNG के रूप में आपके सामने दिखेंगे। अगर आपके सामने PNG के रूप में नहीं दिखेगा तो जो प्लस का आइकॉन है इस पर आपको टाइप करना है। आपको टैप करने के बाद में कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको दिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ आपको मैनुअल फैशन दिख रहा है, ठीक है, फंक्शन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है ना कि इधर से भी आप कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं इधर मैं ए टाइप करूँगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो आपको जो भी आपको चाहिए आप उस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं ए वाला मैं लेता हूँ, अप डाउन वाला। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपको एक बार दिख रहा होगा, ए वाला बार दिख रहा है, फिर एक ए वाला बार दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ए वाला बार पे आप टैप करोगे यहाँ पे सेलेक्ट है और ए वाला पर देखोगे पिल्ला वाला यहाँ पे बटन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मान लो कि आपको इसका कलर जो है चेंज करना है तो यहाँ पे कलर का एक बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद में आपको देखो यहाँ पे अगर इसे ब्लैक कर दोगे तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो ना तो आपको सिंपली क्या करना है, घिंच के आपको इधर लाना होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पे आपको इसको लाना होगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपको डन कर देना है और ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला पोर्शन पे टाइप करना है देखो। और यहाँ पे कलर है तो फिर से आपको क्या करना है, कलर पे आपको टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो अगर इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो है ना इसको हम ब्लैक रखेंगे, फिर हम ओके कर देंगे। उसमें क्या करना है कि आपको फिर यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद में देखना है कि यहाँ पे जो है ना कि आपको यहाँ पे राइट वाला सिंबल जो है इस पर आपको टाइप करके क्लिक करके इस तरह कुछ इंटरफेस हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि इसको रोटेट करना है, रोटेट ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप रोटेट भी कर सकते हो। अब आपको क्या करना है भाई कि आपको इसको जो है ना कि ऐसे रोटेट करके
आपको इसको ऐसे बारा करना है, ये बड़ा बुंदा पकड़ के इसको बारा करना है, बारा कर लेना है, इसको बारा कर लेना है, बारा कर लेना है। इसको क्या करना है ना कि आपको ऐसे जो है ना यहाँ पे एडजस्ट आपको कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको यहाँ पे टैप करना है इस आइकॉन पे, यहाँ पे लॉक लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका इधर उधर हिलेगा नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इमेज को ऐड करना है। तो इमेज मैं आपको बता दूँ फिर से, आपको इस थंबनेल पर टैप करना है और जो भी आपका इमेज होगा उस इमेज को क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो आपको फिर से जो है ना कि ये वाला बॉक्स पे आपको टैप कर लेना है, बीच वाला पे यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, इस पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद फिर से आपको गैलरी में जाना है सेम प्रोसेस करके। उसके बाद जिस भी फाइल फोल्डर में आपका इमेज होगा उस फाइल फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपका इमेज जो भी होगा वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इमेज आपका आ चुका है। इसको आपको बारह कर लेना है, ऐसे बारह कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में क्या करना है कि अब इमेज जो है ना कुछ इस तरह के आपको दिख रहा है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्वालिटी, तो आपको इधर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कलर फिल्टर लिखा होगा, इस पर आपको टैप करना है। अब आपको क्या करना है कि कॉन्ट्रास्ट जो है ना आपको इसको बढ़ा लेना है 23 कर लेना है और ब्राइटनेस भी जो है ना कि आपको इसको बढ़ा लेना है और यहाँ से सैचुरेशन जो है ना कि आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, डन कर देना है। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे आपको स्ट्रोक नहीं देना है, यहाँ पे इधर स्लाइड करना है, शैडो पे आपको टैप करना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में आपको यहाँ पे ब्लर जो रेडियस है इसको पूरा आपको बढ़ा देना है और उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको राइट लेफ्ट भी ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हल्का सुन मैं जो है ना कि इफेक्ट सेट जो है एक्स में 20 कर लेता हूँ, डन कर देता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको भी यहाँ पे टैप करके इसको भी आपको लॉक कर लेना है। मैं लॉक कर लेता हूँ, अब आपका इमेज जो है हिलेगा नहीं। अब आपको फिर से क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक स्वाइप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है, यहाँ पे आपको इसको छोट कर लेना है ऐसे आपको 12 करके, और आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे आपको फिट कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है भाई कि यहाँ पे आपको ओके कर देना है और ओके करके यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको इस पे फिर से आपको टाइप करना है और इस पे उंगली रख कर क्या करना है कि आपको इमेज से नीचे आपको लेकर आ जाना है। ये कुछ इस तरह के आपके सामने हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करना है कि आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करना है और फिर से आपको क्या करना है कि इधर आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखेगा, कलर पे टाइप करना है, इनेबल करना है। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ से आपको पिल्ला इसको कलर को सिलेक्ट करके आपको डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको फिर से इस पर टाइप करना है और इसको क्या करना है आपको लॉक कर देना है, आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये जो आपका थंबनेल है ना कुछ इस तरह के जो है उसका इंटरफेस तैयार हो जाएंगे। आपको क्या करना है टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको टाइप करना है, टेक्स्ट पे जाना है और फिर एडिट पे जाना है। इस पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मिनट में, मिनट में ओके करना है। फिर इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे भी आप इसको सेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से आपके सामने हो जाएंगे ना। अब आपको क्या करना है कि इसका जो टेक्स्ट का जो मतलब स्टाइल है ना आपको चेंज करना है। तो स्टाइल चेंज करने के लिए फिर से आपको क्या करना है, इधर आपको आना है, यहाँ पे फ्रंट पे जाना है, फ्रंट पे जाओगे, उसके बाद फ्रंट के आने के बाद में माई फ्रंट पे जाओगे और यहाँ पे मैं अभी जो है ना ये जो है ना ये वाला मैं ब्लैक इटालियन जो है मैं इसको मैं यूज करूँगा, इसको मैं यूज कर लूँगा, डन कर दूँगा। अगर ये आपके फ़ोन के अंदर नहीं है भाई तो आपको मैं ये जो फ़ॉन्ट का जो ये है ना मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके और आप लोग उसको अपने पिक्सल में ऐड कर लेना। नहीं आता है तो आप लोग बोलना कमेंट करके, मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह के हो जाएगा। आपको क्या करना है भाई कि आपको सबसे पहले जो है ना कि यहाँ पे फिर से आपको इधर आना है, स्लाइड करना है और यहाँ पे शैडो है, शैडो पे टैप करके इसका भी जो है शैडो को आपको इनेबल कर लेना है, आपको डन कर देना है। आपको क्या करना है फिर से आपको जो है ना कि इसी टेक्स्ट को आपको फिर से कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कॉपी लिखा कॉपी करके और यहाँ पे आपको लिखना है 2 मिनट में थंबनेल। तो मैं लिख लेता हूँ TH थंबनेल, ऐसे 12 कर लेना है और इसको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है और इसका जो कलर है आपको क्या करना है ब्लैक कर लेना है और ब्लैक करने के बाद में इसका जो शैडो था इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो है बंद कर लेना है, ठीक है। 2 मिनट में थंबनेल इस तरह के हो जाएंगे, 2 मिनट में थंबनेल। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है कि इसको आपको फिर से यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी बनाना सीखे, फिर से आपको इसको कट करना है, बनाना सीखे हिंदी में लिख लेना, डन करना। उसके बाद में इसका कलर जो है ना आपको क्या करना है कि कलर पे जाना है और यहाँ पे ये वाला जो है ना ये वाला कलर को आपको क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका जो टेक्स्ट है ना इसको बहुत मोटा है तो भाई आपको फिर से फॉन्ट पे जाना है, माई फोन पे जाना है और क्या करना है ना कि आपको ए वाला जो है ना ये इटालियन बोल्ड जो है ना ए वाला जो स्मॉल है उससे उसको आपको क्या करना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा।
उसके बाद में आपको क्या करना है भाई कि आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे आपको एक इमेज को ऐड करना है, जो भी आप इमेज ऐड करना चाहते हो। तो इमेज ऐड करने के लिए फिर सबको क्या करना है कि जो बीच वाला सिंबल पे आना है, एक्सपोर्ट पे जाना है। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे फिर से आपको सेम प्रोसेस करके आपको इमेज की गैलरी में जाना है, और जो भी आपका इमेज होगा, जैसे कि मैं थंबनेल वाला इमेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाला मैं इमेज यहाँ पे ले लूँगा, डन करूँगा। और यहाँ पे आप इस इमेज को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इसको छोटा करना चाहते हो छोटा, या फिर क्रॉपिंग करना चाहते हो, इस तरह से आपको क्रॉपिंग करना है। तो आप इसको ऐड करके और यहाँ पे जो है इसको अच्छे से आप एडजस्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि इसके में शैडो फैडो देने के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है कि भाई इधर शैडो ऐसे इनेबल करके, और आप ऐसे आप शैडो को भी आप इधर दे सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया। और अगर आपको और भी कुछ इसमें ऐड करना है, तो जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आप उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करके आप लोग ऐड कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन को दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको जेपीजी आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे डायमेंशन जो है कस्टम है, इस पर आपको टैप करके, और यहाँ पे अल्ट्रा में आपको इसको सेव टू गैलरी में आपको क्या करना है कि जैसे आप टैप करोगे ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आपने सीख लिया कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में इसको आप चाहते हो कि इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, तो सिंपली क्या करना है कि आप यहाँ पे जो है अपने फ़ोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर को आप चालू कर लेना, और यहाँ पे आप लिखना पिक्सा, यहाँ पे लैब। लिखने के बाद में ये वाला जो ऐप है आपको सिंपली क्या करना है अपने फोन के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी इस तरह का थंबनेल बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो भाई आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मुझे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां पर भी जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं भाई क्विकली रिस्पॉन्स दूंगा। तो भाई मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।